नमस्कार शैलेश जी, स्वागत है आपका नॉक्स इंजीनियरिंग में दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या दिखाने वाले हैं आज हम लेके आए हैं, ये हमने नया एक R&D करके हमने बनाया है, इम्पैक्ट क्रैशर इंडस्ट्री के लिए जी। इसमें हमारे पास में इंडस्ट्री का भी मॉडल है और माइनिंग के लिए भी है। ओके। जो अपना स्टोन क्रैशिंग का भी मॉडल है, इसमें ऑन व्हील भी है और ऑफ व्हील भी है। ये ऑफ व्हील वर्जन जो हमने बनाया है, ये बेसिकली इंडस्ट्री के लिए बनाया है। जस्ट लाइक फर्टिलाइजर कंपनियाँ हो गई, टाइल्स कंपनियां हो गई, केमिकल मिक्सिंग कंपनियां हो गई, केमिकल मेकिंग कंपनियां हो गई, और कुछ जो अपना कंक्रीट प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जस्ट लाइक प्री मिक्सिंग जो लोग करते हैं, प्री कास्ट इंडस्ट्री में यूज होते हैं, प्री कास्ट प्लस प्री मिक्सिंग आज की डेट में क्या आ रहा है कि जो प्लास्टर है वो प्री मिक्स आ रहा है, बैग में आ रहा है जी, जी, आपको जी। कुछ नहीं मिक्स करना है, सब कुछ मिक्स होके आ रहा है, केवल पानी डालना है और कर देना है। उस इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है। ये हमारा स्टेशनरी मॉडल है, स्टेशनरी मॉडल फॉर इंडस्ट्री यूज ओनली, नॉट फॉर अपना जो स्टोन क्रैशिंग इंडस्ट्री है उसके लिए नहीं है। स्टोन क्रैशिंग इंडस्ट्री के लिए हमारे पास इसी का वर्जन है, ऑन व्हील वर्जन जी। जिसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूँ कि उस ऑन व्हील वर्जन के लिए कोई लाइसेंस समथिंग कुछ भी नहीं लेना होता है। ओके। ये वर्जन जो है हमारा, ये केवल इंडस्ट्री के लिए, किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ पर कोई भी हमें इम्पैक्ट क्रैशिंग करना है, चाहे वो अपना स्टोन हो, फर्टिलाइजर हो, या कोबाल्ट हो, कुछ भी हो, ईच एंड एवरीथिंग कुछ भी हो जी, ठीक है ना, उसके लिए है बेसिकली। तो इसमें क्या क्या फीचर्स दे रखे हैं आपने? ये बेसिकली इसमें हमारे पास में इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड भी है और डीजल ऑपरेटेड भी है जी। अभी हम जो आज आपको डेमो दिखाएंगे, ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, मोटर के साथ है, 10 HP का इसमें मोटर लगती है। कैपेसिटी जो इसका है वो 5 टन पर आवर। अच्छा। एक घंटे में 5 टन ये आपको निकाल के देगी। 5 टन ये इस टाइप का ये माल ये आपको आउटपुट में देगी। इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसमें इस साइज को, और इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। अभी जो हमने किया हुआ है वो अप टू 5 mm पे किया हुआ है। और कितने mm तक कर सकते हैं इसको? हम लोग 3 mm तक कर सकते हैं, 2 mm भी कर सकते हैं। ओके, 2 mm भी कर सकते हैं, इतना फाइन हो जाता है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे आपने एक ये बेल्ट कन्वेयर बेल्ट पुली दी हुई है जी। जी जी। ओके। और ये हॉपर है जिसमें से हमें मटेरियल डालना है, इसमें से हमारा इनपुट जाएगा। और इसमें अंदर किस तरह का फीचर्स दे? इसमें इम्पैक्ट लगे होते हैं। अच्छा, इसमें हैमर लगे हुए होते हैं। हैमर लगे हुए होते हैं, मल्टी हैमर होते हैं, इसमें 20 hammer है। ओके, 20 hammer 20 hammer है इसमें। ओके। जो आपको इम्पैक्ट देते हैं और इम्पैक्ट से ये अपना क्रैशिंग करता है। राइट। कुछ जैसे एक मैंने आपको बोला कि अप टू 2 mm भी इसको हम लोग डिजाइन करके दे रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री हैं जैसे कि कपलेट इंडस्ट्री हैं, उसमें ये अपना कैलामाइन मेलामाइन करके एक जो मेन प्रोडक्ट होता है सेरेमिक इंडस्ट्री में जी, उसको उसका पाउडर बनाने के लिए 2 mm चलता है, तो उसके लिए भी ये हमने डिजाइन की है। राइट। ये बेसिकली ये वाला जो वर्जन है ये इंडस्ट्री के लिए है। ओके। पर्टिकुलर वर्जन जो हमारा ऑन व्हील वर्जन है वो ओपन इंडस्ट्री के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप यूज कीजिए या माइनिंग में कीजिए, कुछ नहीं, नहीं इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस का कोई जरूरत नहीं होता। इंडस्ट्री के लाइसेंस का कोई जरूरत नहीं होता, बिकॉज वो शेड के अंदर चलना होता है, इंडस्ट्री के फैक्ट्री के अंदर चलना होता है, तो उसके लिए इंडस्ट्री का ही लाइसेंस होता है, उसी के बेस पे ये चला सकते हैं, मशीन चला सकते हैं। तो आप इसको ऑपरेट करके दिखाएंगे? मैं इसका आपको डेमो दिखाता हूँ सर, प्लीज ऑन करें। बिल्कुल ऑन करो बेटा। ये देखिए सर, ये हमारा, मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ जी। डालिए, ये इसका बेसिकली आउटपुट है सर, आप देखेंगे ये इसका आउटपुट है, बहुत ही प्योर एंड फाइन आउटपुट निकल रहा है। इसमें हम लोग बेसिकली कोशिश करते हैं, अगर स्टोन को चला रहे हैं तो स्टोन पे पहले से पानी डाल दें या इसके साथ में पानी चलाएं, ताकि डस्ट आउट, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, जरा सी भी डस्ट नहीं है। अगर इसको हम लोग ड्राई चलाएंगे तो काफ़ी डस्ट इसमें से निकलेगा। ये इसका ये मटेरियल है बेसिकली। बहुत बढ़िया।
डाल डाल के पैक डाल के पूरा। हाँ यहाँ चाहिए इसमें। अच्छा इसमें हम लोगों ने एक सेफ्टी गेट भी लगाया हुआ है। अच्छा इसके अंदर एक सेफ्टी गेट लगाया हुआ है। सेफ्टी गेट का पर्पज है कि बाई चांस मटेरियल अगर बैकअप देता है तो बैकअप ना आए। अच्छा हाँ बैकअप ना आए, किसी के ऊपर गिरे ना मटेरियल। बहुत कोई कोई भी कोई भी स्टोन का टुकड़ा निकल के गिरे ना। वन साइड ओपनिंग है जी, तो मोटर भी ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा बिल्कुल। नहीं नहीं कोई आवाज़ नहीं है। अगर जब स्टोन डलता है तभी आवाज़ आती है। तो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या रहेगी? ये 5 टन 1 घंटे में निकाल के देगी सर। 5 टन 5 टन पर आवर, 5 टन पर आवर इसका कैपेसिटी है। अब मशीन का साउंड देखेंगे, ऑलमोस्ट जीरो साउंड है। और स्टेबिलिटी देखेंगे, मशीन जैसे चल रही है लगेगा नहीं कि भाई ये क्रैश, ये स्टोन को क्रैश कर रही है, लगेगा ही नहीं आपको। स्टोन भी इसमें मल्टी टाइप का आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर मान लिया इसी को आप स्टोन की जगह अगर ये रिसाइकलिंग का मटेरियल अगर इसमें डालते हैं जी, तो इसी में रिसाइकलिंग का मटेरियल भी डल जाएगा जी। ये यहाँ देखेंगे रिसाइकलिंग का मटेरियल है। बाबा ये डालिए ज़रा, ये रिसाइकलिंग का मटेरियल है कि आपको CND वेस्ट अगर रिसाइकलिंग करना है उसका, आपको अगर डस्ट बनाना है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो होता है CND जो होता है। हाँ ये देखिए सर बड़े आराम से जा रहा है ये भी। ये देखिए सर जो आपका CND वेस्ट है वो आपका 100% आपका रीयूज हो गया। कौन कौन इसका इस्तेमाल कर पाएगा? रिसाइकलिंग करते हैं उनके लिए तो है ही है, साथ में जो अपना फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां हैं उनके यूज के लिए भी है। कोल इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको कोल पाउडर बनाना होता है उनके लिए भी है। जो लोग कॉन्क्रीट मिक्सिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए केमिकल्स बनाते हैं, केमिकल प्रोसेसिंग के लिए भी ये मशीन यूजेबल है। ये मशीन सर 5 टन पर आवर कैपेसिटी है इसकी, 1 घंटे में 5 टन निकालेगी। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी है, डीजल इंजन के साथ भी है। इंडस्ट्री में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है तो इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही जाती है। 10 HP की इस पर मोटर है, 5 टन कैपेसिटी है, 1 ईयर का इसमें वारंटी है हमारा ईच एंड एवरी पार्ट का। अच्छा चाहे वो कुछ भी है इम्पैक्ट के लिए जो चाहे, हाँ चाहे वो जो इसका अंदर का मैकेनिज्म है वो हो, चाहे इसका बॉडी हो, चाहे इसका मोटर हो, चाहे इसका बैरिंग हो, ईच एंड एवरी थिंग सब कुछ इसका 1 ईयर का वारंटी है। 2 चीज़ें वारंटी में कवर नहीं होती है जो कि कंज्यूमेबल हैं। एक इसका इम्पैक्ट हैमर, चलेगा तो यूज होगा, यूज होगा तो घिसेगा, नहीं चलेगा नहीं घिसेगा। दूसरा इसका जो बेल्ट है जी, फैन बेल्ट जिसको बोलते हैं, जो इसमें बेल्ट लगा हुआ है वो बेल्ट वो कंज्यूमेबल है। हाँ चलेगा तो घिसेगा। तो अब क्या नहीं इसका चलेगा, प्राइस तो क्या रहने वाला है? सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं। इसका जो हमने प्राइस बहुत ही माइनर हमने प्राइस रखा है, बहुत ही लिमिटेड इस तरह का प्राइस रखा है कि कोई भी ले सकता है जी। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई लोगों को ये लगे इतना एक्सपेंसिव है तो कैसे लगाएंगे। इसका हमने मोटर के साथ में 2,40,000 रुपये इसका प्राइस रखा हुआ है, जबकि इंजन के साथ में अगर कोई भी इसको लेता है 10 HP का इंजन लगेगा, भारत में एक इंजन लगेगा, उसके साथ में इसका 2,65,000 रुपये हमने प्राइस रखा है। अगर इसी को हम लोग ऑन व्हील लेते हैं तो उस सिचुएशन में 20,000 रुपये व्हील और ट्रॉली का एडिशनल प्लस हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। हालांकि मैं एक कैलकुलेशन चाहता हूं आपसे, अगर आप मुझे बता पाएँ कि अगर मेरे दोस्त ये लगाते हैं तो कितने रुपये या तो वो कमा पाएंगे या कितने रुपये वो बचा पाएंगे। एक घंटे में ये अराउंड 5 टन आपको तोड़ के देगी। ये CND वेस्ट है जो ऑलमोस्ट फ्री मिलता है, ये ऑलमोस्ट फ्री मिलता है। इंडस्ट्री में इतना टूट फूट निकलता है, इतना निकलता है, लोग इसको गिरा के चले जाते हैं, डंपिंग करके चले जाते हैं। जहाँ डंपिंग करते हैं वो लोग परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है, क्यों डाल के चला गया, कौन डाल के चला गया, रात में डाल के चला गया, पता ही नहीं है। तो उसको आपको बोलना है, ट्रैक्टर वाले को, हाईवे वाले को, डंपर वाले को बोलना है भाई तूने गैर कानूनी काम नहीं करना है, तू हमारे यहाँ डाल, हमारे को देते हैं, हमारे यहाँ डाल के जा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट डालते हैं, आप उसको बोलिए हम आपको 1,000 रुपये भी देंगे, वो डाल के जाएगा।
ठीक है। तो ये आप एक घंटे में 5 टन अगर इसका आप ये स्टोन डस्ट बनाते हैं, 1 टन का मिनिमम 1200 रुपये चलता है, 1 टन का ये कॉस्टिंग है, ठीक है? है उसमें से आप, मैं कहता हूँ कि आप इसका रनिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जो अपने प्रोडक्ट मंगाने के लिए 1000 रुपये दिया हाईवा वाले को, डंपर वाले को, सब कुछ हटा के, सब कुछ डिडक्ट करके आप 500 रुपये पर टन आप इसका लेके चल लीजिए जी, ठीक है। 500 रुपये पर टन भी लेके चलेंगे तो 8 घंटे में 40 टन मटेरियल निकाल के दे रहा है, 20,000 रुपये आपका आपको पर डे का ये कमा के दे देगी बड़े आराम से। प्रैक्टिकल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें अनप्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। मटेरियल की जो कॉस्टिंग है वो भी सबको मालूम है, मतलब 6 लाख रुपए महीना ये कमा के ये कमा सकती है ऐसी मशीन का पोटेंशियल है। हालांकि बेचना और ये मटेरियल सोर्स करना ये आपकी आपकी ज़रूरत और आपके मार्केट के हिसाब से भी हो सकता है, तो मैं समझता हूँ डिपेंड करता है। ये बहुत बेहतरीन मॉडल है अगर बिजनेस करना चाहे तो। एक तो, दूसरा है इसमें, एक ये मटेरियल होता है जो मैक्सिमम इंडिया में लगभग हर जगह मिलता है, दिल्ली NCR में भी मिलता है, जो अपना साउथ दिल्ली से शुरू होके फरीदाबाद और ग्वालपाड़ी जितना भी है, ये सारा जो अरावली की पहाड़ी वाला जो एरिया है, साउथ दिल्ली में भी जितना भी बेसमेंट खुदेगा उसमें से ये मटेरियल निकलता है। इसको क्रैश होने के बाद में ये बदरपुर बन जाता है। तो जितना भी साउथ दिल्ली में फरीदाबाद गुड़गांव वाला जितना भी अरावली की पहाड़ी वाला जो एरिया है उसमें कोई भी बेसमेंट खुदता है, नीम खुदती है, उसमें से ये मटेरियल निकलता है, इसको बदरपुर बोलते हैं। ये इसमें क्रैश करोगे, इसके लिए थोड़ा सा एक्सेस चार्ज देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली से आएगा तो आने का डंपर का चार्ज होता है। जैसे कि दिल्ली से, साउथ दिल्ली से या फरीदाबाद से जो गाड़ियाँ आती हैं वो एक गाड़ी की कॉस्टिंग लगभग 8,000 रुपये आती है, एक गाड़ी इट मीन एक हाईवा, एक हाईवा मतलब 50 टन माल जी 8,000 रुपये का आएगा। क्रैश होके 50 टन माल 50 ही टन रहेगा जी, ये डलेगा भी 50 टन और निकलेगा भी 50 टन। 50 टन मटेरियल अगर आप 500 के हिसाब से भी चलते हैं तो आपका 25,000 रुपये आपको दे के जाएगा, 25,000 रुपये कमाई सारे खर्चे निकालने के बाद। और एक दिन में इस मशीन से आप इजीली एक ही दिन में एक हाईवा ये आराम से निकाल सकते हैं, आराम से, केवल 2 लेवर के साथ। बहुत ज़्यादा कोई लेवर नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा आडंबर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी जहाँ है वहाँ मोटर के साथ ले सकते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ डीजल इंजन के साथ ले सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी, आपने इतनी जानकारी दी। पर मेरे सभी दोस्त चाहते हैं कि आपकी फैक्ट्री जहाँ ये बना रहे हैं वहाँ विजिट करें, तो कैसे विजिट करेंगे? अपनी कंपनी के बारे में बताइए, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर। बिल्कुल, हम लोग लोकेटेड हैं नोएडा एक्सटेंशन में, और हमारा एड्रेस है B10006 सुपर टैग इको विलेज 2 ग्रेटर नोएडा वेस्ट, पिन कोड है 201310, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9911027676, और दूसरा नंबर है 9873510671। इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई विजिट करना चाहता है मोस्ट वेलकम, इंडिया के किसी भी कोने से आप आइए विजिट कीजिए। मैं कहता हूँ अपना जो प्रोडक्ट आपको क्रैश करना है वो प्रोडक्ट भी साथ लेके आइए, यहाँ डेमो लीजिए, चला के देखिए, प्रोडक्टिविटी देखिए कितना निकल रहा है, कितनी देर में कितना निकल रहा है, क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए, क्या क्या ये मशीन वो प्रोडक्ट निकाल रही है जो आपको चाहिए, आप प्रॉपर टेस्टिंग करके आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों मैं समझता हूँ सुमन जी ने जो जानकारी दी आपके बहुत काम आएगी, ऐसी इनोवेटिव मशीन जो बहुत कम पॉल्यूशन करती हैं, बल्कि पॉल्यूशन को रोकती हैं एक तरह से, आपके प्रोडक्ट को जो वेस्ट है उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बना रही हैं, कन्वर्ट कर रही हैं, तो ऐसे में जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती हैं, मशीन की कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा तो आप 1 महीने में कमा सकते हैं, ऐसी लाजवाब मशीन मैं समझता हूँ। इसके बारे में और जानकारी लीजिए, हमेशा कहता हूँ कि जानकारी खुद से जुटाइए, फैक्ट्री विजिट करिए, सुमन शर्मा जी को कॉल करिए और निर्णय लीजिए, क्योंकि जो निर्णय लेते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं, और पहला निर्णय जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप पहला कदम उठाते हैं तभी आप कोई जानकारी जुटा पाते हैं, तो बिना जानकारी के तो कोई काम करना भी नहीं चाहिए। और जानकारी मैं समझता हूँ सुमन जी ने आपको बहुत सारी दी है, बाकी जानकारी आप ज़रूर विजिट करके जुटाइए, फ़ोन करिए, कॉल करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए।